आज हम चर्चा करते हैं मेवाड़ मुगल आपसी मैत्रीपूर्ण संबंधों के क्रम में आमेर के राजा मानसिंह के बाद मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। ये इतिहास में जयसिंह प्रथम के नाम से भी ख्यात हैं। जैसा कि आपको विदित है, 1614 ईस्वी में मानसिंह का देहांत हो गया था दक्षिण भारत में, और उनके देहांत के बाद मानसिंह की इच्छा के विरुद्ध भाव सिंह 1614 ईस्वी में आमेर के अगले शासक बने। उनके समय में आमेर के कछवाहों की जो मुगल दरबार में स्थिति थी वो पूर्व की तुलना में काफ़ी कम हो गई, और 1621 ईस्वी में भाव सिंह का देहांत हो गया। भाव सिंह के देहांत के बाद में महासिंह का लड़का जय सिंह, जिनको बाद में शाहजहां द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी, जय सिंह प्रथम के नाम से शासक बने। इन्होंने 1621 ईस्वी से 1667 ईस्वी की दीर्घ अवधि तक शासन किया। हम इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। इनका जन्म 1611 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का देहांत हो चुका था। ऐसी स्थिति में जब 1614 ईस्वी में भाव सिंह शासक बने, तब इनकी माता दमयंती, यानी मिर्जा राजा जय सिंह की माता का नाम था दमयंती, ने अपने पुत्र की सुरक्षा के लिहाज से आमेर का त्याग कर दोसा में रहना आरंभ किया। दोसा में उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की, उनको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान करवाया, इसके साथ उनको शस्त्र संचालन की भी काफ़ी शिक्षा प्रदान की गई। और जब 1621 ईस्वी में आमेर के शासक भाव सिंह का देहांत हो गया, तब मिर्जा राजा जय सिंह आमेर के अगले शासक बने। इन्होंने अपने दीर्घ शासनकाल के दौरान तीन मुगलों के सानिध्य में रहकर काम करने का मौका मिला। वे थे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मिर्जा राजा जय सिंह के जहांगीर के साथ संबंध, या उनके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में जय सिंह प्रथम ने क्या योगदान दिया मुगल साम्राज्य के लिए। जैसा कि आपको विदित है, जब हम इंडियन हिस्ट्री वाले चैप्टर को पढ़ते हैं, तब हमें पता है कि जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां के बढ़ते हस्तक्षेप की वजह से खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां के नाम से शासक बने थे, ने विद्रोह कर दिया 1622-23 ईस्वी में। तब उनके विद्रोह का दमन करने के लिए जो एक सैन्य दल नियुक्त किया था, उसमें जहांगीर ने जय सिंह प्रथम को भी नियुक्त किया। खुर्रम के विद्रोह को दमन करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया जय सिंह प्रथम ने, अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया। उसके बाद 1623 ईस्वी में जब अहमदनगर के मलिक कंबर द्वारा निरंतर मुगल प्रदेशों में अतिक्रमण किया जा रहा था, मुगलों की सीमाओं का उल्लंघन किया जा रहा था, तब मिर्जा राजा जय सिंह को मलिक कंबर के विरुद्ध भी भेजा गया और मलिक कंबर की प्रगति को रोकने का काम किया मिर्जा राजा जय सिंह ने। उसके बाद में 1625 ईस्वी में दलेल खां पठान के विरुद्ध भेजा, और वहाँ पर भी उनको काफ़ी सफलता मिली। फिर बाद में 1627 ईस्वी में जहांगीर का देहांत हो गया था, और 1628 ईस्वी में शाहजहां अगले बादशाह बने। शाहजहां ने शासक बनते ही जय सिंह की काबिलियत को देखते हुए उनको 4000 वेसवार का मनसबदार बनाया, और सबसे पहले उनको मथुरा के इलाके में जाटों द्वारा निरंतर उत्पात मचाया जा रहा था, उनका दमन करने के लिए भेजा। मिर्जा राजा जय सिंह ने लगभग 6 सप्ताह तक निरंतर उपद्रवी लोगों का दमन किया, और उनमें उनको महत्वपूर्ण सफलता मिली। उसके बाद में शाहजहां ने उनको दक्षिण में खानी जान लोदी, जो कि सूबेदार थे, मुगल सूबेदार थे, उनके पास भेज दिया उनके सहयोग के लिए। परंतु बाद में जब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों पर जो उज़्बेक, जो जनजातीय लोग थे,
वो निरंतर उपद्रव कर रहे थे, तब उन उपद्रवों का दमन करने के लिए 1629 ईस्वी में जयसिंह को शाहजहाँ ने उत्तर पश्चिमी सीमाओं में भेज दिया और वहाँ पर रहकर उन्होंने उस बेगम का दमन करने में बड़ा योगदान दिया। उसके बाद में जब खानी जालोदी ने दक्षिण में विद्रोह कर दिया मुगलों के विरुद्ध, शाहजहाँ के विरुद्ध, तब जयसिंह ने खानी जहाँ लोदी का निरंतर पीछा किया और खानी जहाँ का दमन करने में मुगलों की बड़ी सहायता की। उसके बाद में जब खानी जहाँ लोदी का दमन हो गया, शाहजहाँ ने उनको शाह सुजा के साथ दक्षिण भेज दिया गया। दक्षिण में उस समय अहमदनगर की रियासत में कुछ लोगों द्वारा उनके अस्तित्व के लिए संघर्ष किया जा रहा था मुगलों के विरुद्ध, परंतु मुगलों के निरंतर आक्रमणों की वजह से अहमदनगर रियासत थी वह मुगल आधिपत्य में आ गई। जो शाहजी भोंसले थे शिवाजी के पिताजी, उनके प्रयत्न भी असफल रहे। उसके बाद में 1637 ईस्वी में बीजापुर और गोलकुंडा की रियासतों के विरुद्ध भी जयसिंह ने अपने अद्भुत पराक्रम दिखाया और वहाँ पर भी मुगलों को जो सफलता मिली, यानी वहाँ के शासकों को मुगलों के साथ संधि करनी पड़ी, उसमें भी जयसिंह ने अपनी काबिलियत का, अपने साहस का प्रदर्शन किया। उसके बाद में 1638 में उनको कंधार के इलाके में विजय के लिए भेजा गया। कंधार का इलाका जो 1622 ईस्वी में जहांगीर के समय फारस के शाह ने अधिकृत कर लिया था, वह शाहजहाँ के समय इस अभियान में जो 1638-39 में हुआ था उसमें विजय प्राप्त की थी मुगल सेनाओं ने, यानी मुगलों ने कंधार के ऊपर पुनः अधिकार कर लिया था। और वहाँ पर जयसिंह द्वारा दिखाए गए अद्भुत पराक्रम की वजह से मुगल सम्राट शाहजहाँ ने उनको मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। तो इस प्रकार से शाहजहाँ के इस कंधार अभियान में जयसिंह ने बड़ा अद्भुत योगदान दिया। उसके बाद में उनको 1641 ईस्वी में मुराद के साथ, शहजादा मुराद जो कि शाहजहाँ के सबसे छोटे पुत्र थे, उनके साथ काबुल भेजा गया। लगभग 3 वर्ष तक वो काबुल में रहे। उसके बाद में 1644 ईस्वी में जयसिंह को दक्षिण की रियासतों के विरुद्ध, दक्षिण में जो मुगल सूबा था वहाँ पर शासन व्यवस्था के प्रबंध के लिए भेजा। वे यहाँ पर लगभग 3 वर्ष तक रहे, 1644 से 1647 ईस्वी तक। उसके बाद में इनको उत्तर बुला लिया गया और उसी दौरान आपको ये भी पता है कि शाहजहाँ अपने अंतिम समय में इन 1657 के आसपास, 1657 के आसपास काफ़ी बीमार पड़ गए थे और उनके मरने की अफवाह फैलना शुरू हो गई थी। ऐसी स्थिति में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष आरंभ हो गया और उस उत्तराधिकार के संघर्ष के आरंभिक दौर में शाहजहाँ के कहने पर जयसिंह प्रथम ने दारा सिकोह का समर्थन किया। और जब शाह सुजा बंगाल और बिहार से सेना एकत्र करके आगरा वाले इलाके में उत्तराधिकार युद्ध में विजय के लिए या राजधानी पर कब्जा करने के लिए आ रहा था, तब शाहजहाँ ने जयसिंह को सुलेमान सिकोह के साथ सुजा का दमन करने के लिए भेजा और 1658 ईस्वी में बनारस के निकट बहादुरपुर के पास शाह सुजा को परास्त कर दिया और शाह सुजा पुनः बिहार की तरफ भाग गया। इस युद्ध में मिली सफलता से शाहजहाँ जयसिंह से बड़ा प्रसन्न हुआ और उनके मनसब को बढ़ाकर 6,000 कर दिया गया। उसके बाद में आपको ये पता है कि औरंगजेब ने इस्लाम के नाम पर मुस्लिम सेना नायकों को अपनी ओर मिला लिया और जो अप्रैल 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध हुआ और उसके बाद में सामोगढ़ का युद्ध जून 1658 ईस्वी में हुआ, उन दोनों युद्धों में औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोह परास्त हुआ। दारा सिकोह के परास्त होने, औरंगजेब की विजय से जयसिंह प्रथम आश्वस्त हो गया था कि अगले शासक औरंगजेब ही बनेंगे, अतः उन्होंने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए 25 जून 1658 ईस्वी में
औरंगज़ेब से मथुरा में मुलाकात की और भावी संघर्ष में उन्होंने औरंगज़ेब का साथ देने का निश्चय किया। इस प्रकार से औरंगज़ेब के पक्ष में जाने से औरंगज़ेब की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई थी, क्योंकि जय सिंह अपने समय के काफ़ी बड़े शासक थे, बड़े पराक्रमी योद्धा थे। राजपूत राज्यों के ऊपर भी उनका एक प्रकार से नियंत्रण था। उसके बाद में औरंगज़ेब को बड़ी चिंता थी दारा सिंह की, क्योंकि जोधपुर के जो शासक थे जसवंत सिंह, उन्होंने दारा सिंह को औरंगज़ेब के विरुद्ध सहायता का आश्वासन दिया था। तब औरंगज़ेब के परामर्श से जय सिंह ने जसवंत सिंह को दारा सिंह की मदद देने का विचार त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया। जय सिंह द्वारा समझाए जाने पर जोधपुर के शासक राठौड़ शासक जसवंत सिंह ने दारा सिंह की मदद देने का विचार त्याग दिया। उसके बाद में मार्च 1659 ईस्वी में मुगल सेना और दारा सिंह की सेना के बीच अजमेर के पास देवराई नामक स्थान पर युद्ध होता है और इस युद्ध में भी दारा सिंह को पराजय मिलती है। और जो पराजय के बाद में वो भाग रहे थे, तब मुगल सेना ने उनका पीछा किया। जय सिंह भी उसमें शामिल थे और जय सिंह द्वारा निरंतर पीछा किए जाने की वजह से दारा सिंह को भारतीय इलाका यानी मुख्य भूमि का इलाका सिंधु प्रदेश छोड़ करके जाना पड़ा। सिंधु नदी को पार करके उनको खदेड़ दिया गया। इसके साथ साथ जय सिंह के पुत्र राम सिंह ने भी अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय देते हुए दारा सिंह के पुत्र सुनुमान सिंह को पकड़ने में कामयाबी पाई। इन दोनों पिता पुत्रों के अद्भुत पराक्रम की वजह से औरंगज़ेब ने इनकी पद प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि की, इनकी जागीर में भी काफ़ी वृद्धि की। लगभग 1 करोड़ दाम का इलाका जागीर के रूप में उन्होंने जय सिंह को सौंपा। इस प्रकार से साबित होता है कि जय सिंह ने किस प्रकार बदली हुई परिस्थितियों में दूरदर्शिता का परिचय देते हुए आमेर के राज्य की और प्रतिष्ठा वृद्धि में किस प्रकार से निर्णय लिया। अब अगले वीडियो में हम देखते हैं जय सिंह के दक्षिण अभियान के बारे में, जहां वो शिवाजी के विरुद्ध भेजे गए थे और उनके अंतिम दिनों के बारे में, अगले वीडियो में।